नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे भूगोल से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो अभी तक हम लोग 400 के करीब आपके क्वेश्चंस ख़त्म कर चुके हैं। हमें 401 से बात करनी थी। तो 401वां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा लोह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा लोह इस्पात उत्पादक देश आपका चीन है। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन है दूसरा, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? मेसाबी रेंज आपकी लोह अयस्क से संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? जाम्बिया तांबा उत्पादक देश। क्वेश्चन है चार, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? तो आप जान सकते हैं कि इसमें भी आपका जाम्बिया ही होगा, क्योंकि जहाँ अधिक उत्पादन होगा वही अधिक निर्यात भी करेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके घर में अधिक कोई भी वस्तु उत्पाद हो रही है तो आप ज़्यादा ही बेचोगे ना उसे। ठीक है, जिसकी कमी होगी तो आप ज़्यादा खरीदोगे। क्वेश्चन है आपका पाँच, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडली किसके लिए विख्यात है? तो ये आपकी स्वर्ण उत्पादन के लिए। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका छठवा, जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका सोने की खान के लिए। डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन है हमारा सात, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा आठ, हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? तो ये आपका अफ्रीका। किसका है? अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर आठ में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा नौवा, स्थानांतरण शील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी आपकी थाईलैंड से। क्वेश्चन नंबर नौ में आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दस, लादांग संबंधित है आपका स्थानांतरण शील कृषि से? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा ग्यारह, लादांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो ये आपकी मलेशिया। क्वेश्चन है बारह, सामान्य जीवन निर्वाह कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसे बोलते हैं चेन्ना। क्वेश्चन तेरह, थाईलैंड में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं तमराई। क्वेश्चन है हमारा चौदह, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरण सील कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपकी तुंग्या के नाम से जानी जाती तुंग्या। क्वेश्चन है हमारा पंद्रह, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? सर्वाधिक सघन कृषि आपकी प्रचलित है जापान में। कहाँ? जापान में। क्वेश्चन है हमारा सोलह, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? बागानी जो कृषि होती है इसके अंतर्गत नहीं आता है। नारियल आपका आता है, रबड़ भी आती है, चावल अपना नहीं आता है और कहवा भी आता है, तो इसमें आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर सोलह में बी होगा। क्वेश्चन है सत्रह,
विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक विचलन है? विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक विचलन है? तो स्थानबद्ध कृषि का। क्वेश्चन है हमारा 18। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारी कृषि कहलाती है, तो इसे कहते हैं ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा 19। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु, किसके लिए? स्वर्ण खनन हेतु। क्वेश्चन है हमारा 20। डॉनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, डॉनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो याद रखना कोयले के लिए, किसके लिए? कोयले के लिए। क्वेश्चन है 21। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, सिलिकॉन घाटी आपकी कैलिफोर्निया में अवस्थित है। क्वेश्चन है हमारा 22। क्या है? किम्बरली प्रसिद्ध है, किम्बरली आपका प्रसिद्ध है हीरा खनन हेतु, किसके लिए? हीरा खनन हेतु। क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह आपका कनाडा। क्वेश्चन है हमारा 24। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो याद रखना कनाडा के पास। क्वेश्चन है 25। विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? तो कांगो नदी की जल विद्युत क्षमता सबसे अधिक है। क्वेश्चन 26। विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बांकी किस देश में स्थित है? तो ये आपकी जिम्बाब्वे। क्वेश्चन है हमारा 27। वह उद्योग जो अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है क्या कहलाता है? मूलभूत उद्योग, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 28। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो इन्हें कुटीर उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? तो हीरा तराशना आपका श्रम आधारित उद्योग है। क्वेश्चन है हमारा 30। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन है, सबसे बड़ा? तो यह आपका रूस। रूस में चुकंदर की चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन है हमारा 31। बंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो स्वेज 31 में ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 32। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया की जनसंख्या सर्वाधिक है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। क्वेश्चन है 33, यानी कि 33। जनसंख्या का सबसे कम भाग कहाँ पाया जाता है? जनसंख्या का सबसे कम भाग ऑस्निया में पाया जाता है। क्वेश्चन है हमारा 34। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? जनसंख्या का सर्वाधिक भार आपका एशिया में पाया जाता है। कहाँ? एशिया में। क्वेश्चन है हमारा 35। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो आपकी अफ्रीका महाद्वीप में।
क्वेश्चन 36। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन 37। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? एशिया महाद्वीप में आपकी 55%। कितनी? 55% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। क्वेश्चन 38। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो आपको याद रखना, इंडोनेशिया। किसकी? इंडोनेशिया की। क्वेश्चन 39। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। क्वेश्चन 40। सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप है? सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप है आपका कौन सा है? इसमें होगा जावा। क्वेश्चन है हमारा 41। सबसे घना आबाद सार्क देश है? सार्क देश है आपका बांग्लादेश। सबसे घना आबाद सार्क देश है बांग्लादेश। क्वेश्चन दूसरा यानी कि 42। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है? न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा ही महाद्वीप है, तो याद रखना यहाँ दो पॉइंट आपके। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये क्षेत्रफल में भी छोटा हो गया, और एशिया क्षेत्रफल में भी बड़ा है, और आपका दूसरा जनसंख्या में भी ये आपका बड़ा ही है। ठीक। क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो याद रखना, रूस का लिंगानुपात सबसे अधिक है। क्वेश्चन 44। निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है? निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है इंडोनेशिया की। ठीक। 45। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थे आपके डाल्टन साहब। कौन? डाल्टन साहब थे। ठीक है। क्वेश्चन 46। निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? तो ये आपकी फ्रांस की। क्वेश्चन है हमारा 47। किसी देश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं कार्य घनत्व। 47 में ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 48। निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? तो यह आपका डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क है। ठीक। क्वेश्चन है हमारा 49। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा देश है? तो यह आपका मालदीव होगा। क्वेश्चन 50। संसार में निम्नतम प्रजनन दर है कहाँ की? स्वीडन की। 50 में बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 51। निम्नलिखित देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है? तो यह है जापान की। क्वेश्चन 52। एशिया में मात मृत्यु दर उच्चतम है
तो बांग्लादेश की। क्वेश्चन है हमारा 53। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को जाता है? तो ये जाता है आपका स्वीडन को। किसे? स्वीडन को। इसमें ऑप्शन नहीं है आपका मिस फ्रेंड, जो ऑप्शन है पूरा वही गायब है। क्या है? स्वीडन। आजकल ये पेन भी धोखा देने लगा है। क्या है? स्वीडन। देख लेना ठीक है अपनी नजरिया। ये आपका स्वीडन। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किसे जाता है? स्वीडन को। ठीक। क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो याद रखना भारत की विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है भारत में। ठीक। क्वेश्चन है 55। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है बांग्लादेश। ठीक है। क्वेश्चन है 56। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है 6 देश, 10 में से 6 आपके एशिया में है। ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 57। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये आपकी जापान में पाई जाती है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 58। लैप्स कहाँ पाया जाता है? लैप्स आपके पाए जाते हैं स्कैंडिनेवियाई नेवियन क्षेत्र में। 58 में बी होगा। क्वेश्चन है 59। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है। क्वेश्चन है 60। योर्थ किस जनजाति का घर है? तो खिरगीज। क्वेश्चन है हमारा 61। पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के। पिग्मी निवासी हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप के। क्वेश्चन 62। पिग्मी कहाँ की आदिम शिकारी एवं भोजन एकचित करने वाले लोग हैं? तो देख ही लिया है मध्य अफ्रीका के। क्वेश्चन है 63। किस जनजाति के लोग दूध को ताजा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो ये आपकी खिरगीज जनजाति के लोग। क्वेश्चन 64। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? बाटाविया। क्वेश्चन है 65। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश को। क्वेश्चन है हमारा 66। यूरोप किस देश का लघु यूरोप कहा जाती है? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहते हैं? तो है आपका फ्रांस। क्वेश्चन है 67। चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? जापान को। क्वेश्चन है हमारा 68। विश्व का चीनी भंडार चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? क्यूबा। क्वेश्चन है हमारा कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन है आपका 70। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है किसे? फिलिस्तीन को। क्वेश्चन है 71। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान।
क्वेश्चन है हमारा 72। कौन सा देश हजारों पहाड़ियों का देश कहलाता है? कौन सा देश हजारों पहाड़ियों का देश कहलाता है? अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। क्वेश्चन है हमारा 73। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? ब्राजील को। क्वेश्चन है हमारा, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो यह आपका जकार्ता। किसे जकार्ता को कहा जाता है? क्वेश्चन 75। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है? इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है कौन सा? कैंट। क्वेश्चन 76। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो आपके श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारा 77। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन है 78। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तुर्की एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। क्वेश्चन 79। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। क्वेश्चन है 80। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यह आपका इटली। कौन सा? इटली। क्वेश्चन है हमारा 81। विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? नीदरलैंड। विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? नीदरलैंड। क्वेश्चन है हमारा 82। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारा 83। भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है बेंगलोर। क्वेश्चन 84। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है? मोंटे कार्लो। क्वेश्चन 85। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है आपका इंदिरा कौल। कौन सा? इंदिरा कौल। क्वेश्चन 86। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 36। क्वेश्चन है हमारा 87। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो यह आपकी राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन है 88। निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता। डी ऑप्शन सही है। याद रखिए यहाँ शहर होगा, नदी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा की निकटतम है? तो आपका कोलकाता होगा। क्वेश्चन है 89। निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो ये आपका अगरतला। क्वेश्चन है 90। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो याद रखना, नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई, त्रिपुरा असम म्यांमार की लगी हुई है।
क्वेश्चन है 91। निम्न में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो याद रखिए, महाराष्ट्र नहीं सटा हुआ है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी, लेकिन उसमें डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है फिर आपका 52। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जानते थे पहले। क्वेश्चन है आपका 93। रांची शहर स्थित है झारखंड में? क्वेश्चन है 94। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 महीनों का भाग नहीं है? तो इसमें आपका पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है, ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा शामिल है, लेकिन पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है 95। सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? तो रुंडन। क्वेश्चन है 96। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखना, राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन है हमारा 97। सियोराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ की तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन है हमारा 98। नर्मदा एवं तापी नदियों की मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियाँ? क्वेश्चन है 99। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो यह आपकी अरावली। क्वेश्चन है हमारा 500। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो यह आपकी नर्मदा। तो चलिए, ये थे आपके 500 क्वेश्चंस तक। ठीक है, 501 से हम लोग आगे बात करेंगे।